चलिए भाई साहब नमस्कार जय हिंद भारत माता की जय आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सत्याधि शर्मा क्लासेस में मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया हैं अपने अपने घर पर सब खुशहाल हैं और अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही है और टारगेट कीजिए अपने आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को पुनः नमस्कार करते हुए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो की लिंक शेयर करेंगे और जो मैं पढ़ा रहा था आपको मालवा का पठार मतलब याद रखिएगा सीधी सी बात है हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन अर्थात हम कह सकते हैं कि एमपी पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश भौगोलिक विभाजन अर्थात मध्य प्रदेश जियोग्राफी का लेक्चर नंबर तीन है इससे पहले दो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इससे पहले जो दो लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहले लेक्चर में बेसिक चर्चा की है जहां से आपका बेस बनता है जहां से आपको एक डर निकलता है कि कभी भी भाई साहब इस इस टॉपिक के अंदर नहीं फंसना है मैं कह रहा हूं इस टॉपिक को मैंने कुछ इस तरह से पढ़ाया है कि जिसने भी इस पहली बार पढ़ा होगा वो बिल्कुल सुलझा हुआ है तो उलझे हुए इंसानों को भी ये टॉपिक अगर पढ़ना है तो प्लीज उन तक ये लिंक पहुंचाइए और आप भी अगर इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो पहले रुकीये पूरा पढ़िए एनालिसिस कीजिए समझ में आए तो फिर और आगे देखिएगा ठीक है भाई साहब गुड मॉर्निंग सभी का कमेंट्स लेता हूं मैं राम राम नमस्कार जी सोनू राहुल ओके मालवा के पठार ठीक है ना राहुल परमार जी देखो भाई साहब एक तो क्या है एक डाउट सेशन वाला लेक्चर भी रहता है ऑफलाइन क्लासेस में उससे मैं तुरंत आता हूं से दस मेरी क्लास रहती है है यहां तक आते आते मुझे समय हो जाता है। आप लोग भी जो भी ऑफलाइन क्लासेस में आना चाहते हैं वो उनका स्वागत है मोस्ट वेलकम वो भी आ सकते हैं ठीक है भाई ओके बढ़िया हूं भाई साहब ठीक ठाक हूं एकदम और मैं पढ़ाता हूं मालवा का पठार मालवा के पठार में मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया था लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसकी एक झलकी दिखा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था मेरे प्रिय मित्र यह है मालवा का पठार यह जितना भी ब्लू कलर में दिख रहा है यह याद रखिएगा यह मालवा का पठार है प्लूटो ऑफ मालवा की बात कर रहे हैं मालवा के पठार की चर्चा करते हैं तो दो प्रश्न निकल कर आता है कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक पठार है सबसे बड़ा भौगोलिक पठार मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में लेकिन आपने इसी के साथ में एक सुना होगा कि आता है मध्य उच्च प्रदेश ठीक है ना याद रखिएगा मिडिल हाई जो होती है उसकी बात कर रहा हूं मालवा का पठार प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार है जो कि याद रखिएगा डबल एटल टू स्क्वायर किलोमीटर में डबल एट त्रिपल टू स्क्वायर किलोमीटर में, में है अट्ठासी हजार दो सौ बाईस वर्ग किलोमीटर फैला हुआ यहां से क्या क्या पीएससी वाले भी आ जाए क्या सर जी अरे बिल्कुल गोविंद बादल आपके पीएससी की तो जहां नहीं है अभी देखना भाई साहब गोविंद यहां से मैं जब निकलूंगा तो उसके बाद में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से इतने प्रश्न पूछे गए हैं आपके पीएससी में वो सारे हम चर्चा करने वाले मालवा के पठार में मैंने आपको क्या पढ़ाया तो उसके लिए आप देखिएगा ये देखिएगा मालवा के पठार में मैंने आपको पढ़ाया था कि मालवा का पठार ट्वेंटी एरिया में फैला हुआ है एमपी कॉन्स्टेबल टू में पूछा कितने क्षेत्रफल में है आगे देखते हैं तो याद रखिएगा कि मिट्टी यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है फिर हमने कहा था इसकी, इसकी जो एवरेज जो रेन यहाँ की होती है औसत वर्षा जो होती है वो पिछहत्तर से 125 सेंटीमीटर अर्थात 75 टू 125 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये भारत की भौगोलिक स्थिति है तो इसमें यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपका बना हुआ मध्य प्रदेश है मैं कह सकता हूं कि जब बारिश होती है तो यहाँ अरब सागर से अरब सी से यहां पर जाने वाली जो चीजें वर्षा होती है अरब सागर से होने वाले मानसून से ही इस मालवा के पठार में बारिश होती है तो प्रश्न ये भी है कि कितना एवरेज यहाँ का वर्षा है तो 75 टू 125 पे साथ ही साथ में यहाँ पर बारिश किस क्षेत्र से होती है तो याद रखिएगा

योगेश निराकार डेली क्लासेस क्यों नहीं होती भाई साहब डेली ही क्लास होती है डेली ही क्लास होती है आप लेट आए हैं शायद देखिएगा आगे मालवा के पठार का दो अपवाह तंत्र है एक है यमुना नदी तंत्र और दूसरा है अरब सागर तंत्र मतलब वो ये कहना चाह रहा है यमुना नदी तंत्र और अरब सागर तंत्र में वो ये कहना चाहता है कि ये भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश है और यहाँ से यमुना नदी बहती है और ये अरब सागर है वो कह रहा है कि कुछ नदियां मालवा के पठार को छूकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और कुछ नदियां जाकर यमुना नदी में मिल जाती है तो मालवा के पठार से बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र जो है वो ड्रेनेज पैटर्न दो तरह का है दो तरह का क्या है एक है आपका अरब सागर अर्थात जो अरब सागर में आकर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है वो और दूसरी जो आकर

इस पठार की अधिकांश नदियां यमुना नदी में मिल जाती है ठीक है, और पूरे देश में, में होता है ना भंडारण का मैंने कल आपको जो क्रम बताया था उसमें आपको मैंने एमपी के बाद में राजस्थान बताया था वो भंडारण का था लेकिन एक्चुअल में पैदावार की बात करो तो महाराष्ट्र होगा फिर राजस्थान होगा ठीक है ना वो भंडारण नहीं है बल्कि पैदावार की बात कर रहा हूं मालवा का नामकरण मालव जाति के आधार पर ओलीकर वंश के शासकों ने किया था यह सब चीज मैं कल पढ़ा चुका हूं एक बार बस मैं तो उस पर साफ कर रहा हूं हाथ ठीक है ना ओके ओके ऑफलाइन क्लासेस सूर सिंह धारवेल जी मंडे को आप आ जाइए सुबह आठ बजे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे आ जाओ कनन पूर्विया में आए कविन सर आ जाओ बेटा फाहियान ने जो चीनी बौद्ध भिक्षु था फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है फाहियान ने ठीक है ना याद रखिएगा याद रखिएगा यहीं से एक प्रश्न आता है कि यहां पर बोली कौन कौन सी होती है तो मैंने आपको बताया था मालवी भी बोली जाती है मालवी मतलब की अड़ीन <coughs> आड़ीन वड़ी कौन सा तम कहीं जाई रिया हो कहीं करी रिया हो कैसे हो ठीक है ना भीली जो होती है मुझे ज्यादा भीली आती नहीं लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कैसे होगा कहते हैं वारलू छे, भाई वारलू छे मामा अल जाओ ठीक है और निमाड़ी वाली जो है ना ओले कह रहे नाना का भाई कले जा रोज सब अच्छा है मजाम छे हाउ मजाम छे ये तीनों बोलियां बोली जाती है कर्क कर रेखा की बात की जाए तो मालवा के पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है जो इस पठार के नौ जिलों से कौन कौन से रतलाम हुआ उज्जैन हुआ आगर मालवा हुआ राजगढ़ हुआ सीहोर हुआ भोपाल विदिशा रायसेन सागर से गुजरती है मतलब कि आप सोचो कि पूरे मध्य प्रदेश में मात्र और मात्र चौदह जिलों से गुजरती है उस चौदह जिले में से भी सिर्फ और सिर्फ चौदह जिलों में से नौ जिले तो मालवा के पठार में ही लग गए और यह क्वेश्चन पटवारी दो का है तो भाई आदमी पढ़े नहीं तो क्या करे अच्छा ये बताओ कर रेखा आज तक आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने बिल्कुल यही पढ़ी कि सर चौदह जिलों आपने चौदह जिले पढ़े भी आपको सब याद है आपको याद है कि रतलाम है उज्जैन है आगर मालवा है राजगढ़ है और सीहोर है और यहां से चलने के बाद में भोपाल आएगा विदिशा आएगा रायसेन आएगा सागर आएगा दमोह आएगा कटनी आएगा उमरिया आएगा शेडोला अब आप कहोगे कि सर हमने चौदह के चौदह जिले पढ़े तो थे लेकिन हम तो ये नहीं पढ़ पाए कि चौदह में से कितने मालवा के पठार में तो यह मैं कहता हूं ना आपको नौ जिले और एमपी पटवारी का 2017 का प्रश्न है प्रश्न तो बनेंगे भाई मालवा का पठार नर्मदा एवं चमल नदी नदी के मध्य जल विभाजक का, का कार्य करता है या ग्रुप फोर टू में पूछा और एक बच्चे का कमेंट्स पढ़ा है कि सर जल विभाजक कैसे हो गया भाई साहब वही बताता हूं यहां पर देखिएगा देखिएगा ये सब कल पढ़ा चुका हूं मैं जल विभाजक का कार्य कैसे करता है यह देखिएगा वो ये कह रहा है कि मालवा का पठार मालवा का पठार जो है नर्मदा नदी घाटी और चंबल नदी घाटी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है भाई मेरे देखना है एक बात यह देखना यह विंध्य पर्वत श्रेणी है यह कौन सी पर्वत श्रेणी है विंध्य पर्वत श्रेणी है विन्ध्य जो है ना विंध्य रेंज है यह विंध्य पर्वत श्रेणी है इस विंध्य पर्वत श्रेणी से निकली आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी से आपकी नदी निकली है उस नदी का नाम है ये बहते हुए ये जाना पाव पहाड़ी से निकल कर आपकी जाती है नदी का नाम है चंबल नदी नदी का नाम क्या है चंबल नदी और इधर बह रही है नर्मदा नदी आप मुझे बताओ इस चंबल नदी को पास में नर्मदा पड़ती या यमुना पड़ती नर्मदा नदी पास में है लेकिन मालवा के पठार का जो ढाल है ढाल का मतलब होता है इसका जो बैलेंस है वो ऐसे अगर होता तो वो नर्मदा की तरफ आती लेकिन इसका बैलेंस ऐसे है तो ये नर्मदा पास में होते हुए भी नर्मदा से दूर चली गई इसका मतलब ये है कि ये जो मालवा का पठार है वो नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है अर्थात वॉटर को यह काटता है नर्मदा सीधी निकल जाती है चंबल के जल को उत्तर की ओर फेंक देता है ये प्रश्न था वो सीधा सा ठीक है ना पटले इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं इंडियन हिस्ट्री ही चल रही है आप ऑफलाइन ऑफलाइन में तो, में तो इंडियन हिस्ट्री चल रही है ठीक है ना बेटा उसमें मंडे से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता ही शुरू हो रहा है पहले ही लेक्चर रहेगा ठीक है ना ओके ओके वापस आ जाइए यहां पर यहां तक हमने चर्चा की थी फिर ये पढ़ना था यह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मालवा के पठार के मध्य भारत का पठार उत्तर में आता है पूर्व में विंध्य पर्वत श्रृंखला आती है इधर पश्चिम में अरावली आता है और दक्षिण पश्चिम में आपका गुजरात आता है उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है उत्तर पूर्व बुंदेलखंड का पठार आता है और यही पूछा था कि मालवा के पठार के बिल्कुल साउथ में क्या आता है नर्मदा सोन घाटी आती है एमपी पी काबल दो ये पढ़ा चुका हूं कल में। अब इससे आगे बढ़ता हूं कल तक यहां पढ़ाया था अब चलता हूं मैं आगे ठीक है बड़े बड़े आगे बड़े आगे उससे पहले आप लोगों की कृपा से लाइक आपने नब्बे कर रखे हैं प्लीज जल्दी से लाइक को आप जल्दी से जल्दी 800 पर लेकर जाइएगा और जैसे लाइक करेंगे मुझे यहां पर लाइक समझ में आ जाएगा कि हां भाई साहब मेरे दोस्तों ने लाइक किया है जल्दी से लाइक ठोको मैं बढ़ता हूं आगे ठीक है ना ओके चलो चलो जल्दी ओके ये कल हमने ये नहीं पढ़ा था कल हमने ये नहीं पढ़ा था जो कहते हैं एमपीपीएससी के लिए है तो ये एमपीपीएससी तुम्हारा 2008 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी 2008 का हो या 18 का हो टाइप एमपीपीएससी का पकड़ लोगी एमपीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगी इवन अभी आपको एमपीपीएससी और कठिन होने वाली है प्री अगर आपका प्रदेश जीके नहीं है एम पी जी के में एम पी पी एस सी प्री का सिलेबस निकाल के देखो मेरे दोस्त उसने एम पी ही सबसे ज्यादा पूछा है और एम पी को पूरा खोल कर बताया है एम पी पी एस सी प्री का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और दो हजार बीस इक्कीस का सिलेबस आपको बताता है कि आपको अब क्या पढ़ना है और एम पी ही पढ़ना है खास करके उसमें आपसे यह पूछा जाता है भौगोलिक विभाजन ठीक है ना वो क्या कह रहा है कि मालवा के पठार के विस्तार अली अरावली पर्वत एवं विन्द श्रृंखलाओं के मध्य में है वो कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में मालवा के पठार का विस्तार है तो कोई दिक्कत नहीं है ना सही तो कह रहा है वो कैसे शीतल सिंह लोधी चल क्या रहा है पूछ क्या रही है ये सब पढ़ा के हम खत्म ही कर चुके हैं बेटा है ना आपको दूसरे वीडियो पहले देखना पड़ेगा वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो मालवा का पठार है वो जो मालवा का पठार है वो ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रृंखला चल रही है और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है ये वाला और इधर अगर आप जाओगे तो यहां पर अरावली पर्वत श्रेणी अरावली श्रृंखला चल रही है तो वो यही कहना चाह रहा है कि मालवा का पठार किनके मध्य में है तो वो कह सकता है अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में मालवा का पठार है और यह बात बिल्कुल राइट है एमपीपीएससी ने पूछा था हमने सही कर दिया ठीक है और देखते हैं समझते हैं आगे और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसे देखिएगा मालवा के पठार के अंतर्गत अवस्थित अर्थात विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ध्यान से सुनना अभी बात की मैंने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गंगा व नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है ये और अच्छा प्रश्न आ गया चंबल और नर्मदा के बीच में जल का बंटवारा मालवा का पठार करता है पर नर्मदा और गंगा के बीच में भी जल का बंटवारा कर देगा मालवा का पठार यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है सीधी सी बात है भाई साहब यहां से निकलती है आपकी नर्मदा नदी ये आता है मध्य प्रदेश के अंदर और यहां से निकलती है आपकी गंगा नदी तो सीधी सी बात है वो कह रहा है है कि नर्मदा नदी के ऊपर मालवा का पठार क्योंकि मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा नदी है तो सीधी सी बात है नर्मदा नदी की किसी भी नदी जो आती है वो नर्मदा नदी में मिल जाती है अगर इसमें ना मिलती मालवा के पठार के कारण तो वो गंगा नदी के जल में अर्थात यमुना में जाकर मिलती और यमुना गंगा में जाकर मिलती ऐसे प्रश्न पूछता है वो थ्योरी से ओके okay. आगे देखिएगा प्रदेश के 18 जिले ध्यान से सुनना मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं अब वो यहां कह नहीं सकता है कि मालवा पठार के अंतर्गत 18 आते हैं 19 पर ध्यान से सुनना अगर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2016 में उसने इसमें से कोई प्रश्न पूछा है जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से तो प्रश्न उसने ये नहीं पूछा है कि कितने जिले उसने प्रश्न चार ऑप्शन दिए चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो मालवा के पठार में वो जिला आता ही नहीं है अब देखिएगा आपका हुआ मंदसौर रतलाम झाबुआ धार अलीराजपुर उज्जैन इंदौर देवास आगरमालवा शाजापुर राजगढ़ सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन गुना अशोकनगर और सागर तथा एक और जिला यहां पर बच जाता है नीमच ये सारे के सारे तो फिर संख्या बढ़कर हो जाती है उन्नीस ये सारे के सारे जिले मालवा के पठार के हिस्से में आते हैं अब मतलब यह है कि ऑप्शन एक जो होता है वो दे देगा ऑप्शन एक देगा आपको सीहोर ऑप्शन दो देगा आपको अलीराजपुर ध्यान से सुनना ठीक है ना भाई मेरे ऑप्शन सी दे देगा आपको इंदौर और ऑप्शन डी दे देगा आपको यहां पर खरगोन अब पूछेगा कि दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा मालवा के पठार में नहीं आता है तो भाई साहब सीहोर आता है अलीराजपुर आता है इंदौर आता है खरगोन नहीं आता है खरगोन तो उधर राजपिपला की पहाड़ी है सतपुड़ा श्रेणी में चला जाएगा ठीक है ना लिखो आप यहां से प्रश्न भाई साहब ठीक है बता देता हूं भाई साहब यश लोधी सागर बुंदेलखंड में भी है सागर मालवा में भी है और सागर रीवा पन्ना के पठार में भी है सागर एक कैसा जिला है बोलो हां देखो भाई बांस के जंगल आपको मिलेंगे बालाघाट में लेकिन होशंगाबाद पूरे होशंगाबाद में नहीं होशंगाबाद जिले में एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जंगली क्षेत्र है जिसे पचमढ़ी के पास का बोरी अभ्यारण्य बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाओगे तो वहां पर बांस बहुत अधिक मिलेंगे ठीक है ना ये देखिएगा भाई साहब मालवा के पठार की जलवायु मालवा के पठार की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु है जेल प्रहरी 2015 का क्वेश्चन है अब ये समशीतोष्ण क्या होता है ध्यान से सुनिएगा भाई साहब ना तो यहां बहुत ज्यादा गर्मी है और ना यहां बहुत ज्यादा ठंड है दिसंबर का महीना चल रहा है हद से ज्यादा ठंड पड़ रही है ग्वालियर दिल्ली में कहीं ना कहीं ठंड पड़ती होगी पर यहां इतनी ठंड नहीं और यहां इतनी ठंड पड़ेगी भी नहीं कि आदमी बिल्कुल एकदम जम जाए जब गर्मी का मौसम आएगा तो यहां गर्मी होगी लपट चलेगी लू होगी 44, 43 तक डिग्री यहां सेल्सियस जाएगा लेकिन इतनी हद गर्मी नहीं होगी कि आदमी बिल्कुल परेशान हो जाए और वो कोई बहुत बड़ी आपदा बन जाए तो बहुत अधिक गर्मी भी नहीं है बहुत अधिक ठंड भी नहीं है यहां का जो जलवायु है यहां का मॉइस्चर जो है वो समशीतोष्ण है याद रखिएगा जेलप्रहरी दो का पूछा गया प्रश्न है आगे देखिएगा मालवा के पठार का सबसे गर्म माह मई होता है अर्थात यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी मई में पड़ती है वो हद से हद यहां का जो हाई टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है आम बात है 40 डिग्री सेल्सियस हमारे भारत देश में होना और सबसे शर्द माह जो होता है वो दिसंबर जनवरी मतलब आप सोच सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है हालांकि अभी छह डिग्री सेल्सियस तक लुड़का था इंदौर का ही पारा लेकिन दस डिग्री से बारह डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यह कोई ठंड बहुत बड़ी नहीं है शिवपुरी ग्वालियर के मुकाबले जहां पर तीन तीन डिग्री दो दो डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है यह डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया है क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मालवा के पठार से ऐसे ऐसे भी प्रश्न या भौगोलिक विभाजन से ऐसे भी प्रश्न वो भी सिर्फ पुलिस में नहीं पीएससी डेयरी फेडरेशन स्टेनोटाइपिस्ट प्रहरी, पटवारी कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड तमाम परीक्षा एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम एग्रीकल्चर एग्जाम सब में पूछे जाते हैं भाई ठीक है ना देखिए अब आगे मालवा के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है अर्थात एवरेज हाइट की बात कर रहा हूं एवरेज हाइट एवरेज मैंने क्या कहा एवरेज निकालिए मतलब कि मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग कहेंगे कि एक की जेब में पचास रुपया दूसरे के जेब में पचास रुपया लेकिन तीसरे के जेब में अगर देखा जाए तो उसके जेब में बीस रुपया है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन एक की जेब में तीस रुपया दस रुपया है ठीक है ना एक की जेब में दस रुपया है और एक की जेब में फिर बीस रुपया है मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी जेब में डेढ़ सौ रुपए है पर डेढ़ सौ रुपये कितने लोगों की जेब में है पांच लोगों की जेब में है तो पांच से इसको डिवाइड करेंगे मतलब कि एवरेज निकल कर आया कि हर एक की जेब में तीस रुपए है तो जो पचास वाले थे वो भी तीस पर आ गए और जो दस वाले थे वो भी तीस पर चले गए इसे कहते हैं एवरेज हो सकता है किसी की ऊंचाई किसी की ऊंचाई आठ सौ मीटर है किसी की पांच सौ मीटर है लेकिन एवरेज निकाला जाए तो पांच सौ मीटर इसकी एवरेज हाइट मानी जाएगी अब देखिएगा यहां से कितने बार प्रश्न बना है मालवा पठार की चोटियां और उनकी ऊंचाई के बारे में मैं बताता हूं मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी कहलाती है पुनः सुनिएगा मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसे मैं कह सकता हूं कि पीक पॉइंट पीक पॉइंट मतलब जो सबसे हाई पॉइंट है हाई रेंज है वो होगी सिगार चोटी जो कि आठ सौ मीटर इसकी हाइट है बोलो हाँ बिल्कुल सरल है बिल्कुल सरल और प्रश्न बनाए के बना के मिलता है ठीक है ना ओके okay, दूसरा देखिएगा जाना पाओ पहाड़ी कौन सी है जाना पाओ पहाड़ी जाना पाओ पहाड़ी की हाइट जो है आठ मीटर है एट फाइव और यह मालवा की सेकंड हाइएस्ट पीक है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मालवा की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जानापाओ चोटी पुनः सुनिएगा एक है आपकी सिगार जो कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है मालवा की सबसे ऊंची है लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची नहीं है धूपगढ़ तक इंतजार करना धूपगढ़ तक इंतजार करना अगर वो पूछे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो फिर धूपगढ़ आएगा क्योंकि उसकी हाइट जो है साढ़े तेरह सौ मीटर है लेकिन ये सिर्फ मालवा के पठार की में। अभी मैंने आपको विंध्याचल रेंज की बोली थी तो गुडविल थी जिसे सद्भावना पिक पॉइंट कहते हैं गुडविले सदभावना एक ही है सेवन फिफ्टी टू मीटर आगे देखिएगा धजारी ये धाजरी लिखा हुआ है धजारी है धजारी चोटी 810 मीटर के साथ में मालवा की थर्ड जो है पिक पॉइंट आपको मिलेगा और एक है गोमनपुर चोटी ये गोमनपुर चोटी 510 मीटर ऊंचाई के साथ में प्रदेश की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और आपको मैं बता दूं कि जानापाव पहाड़ी की बात करो सिगार चोटी की बात करो धजारी की बात करो इन सब का जिला इंदौर लगता है कौन से जिला लगता है इंदौर जिले और इसके समीप के क्षेत्र में आता है ये आप देखोगे जानापाव पहाड़ी तो जानापाव पहाड़ी कहां पर मिलेगी आपको महू में मिलेगी कहां पर मिलेगी महू में आप पहले इसे लिखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं जाना पाओ पहाड़ी के जाना पाओ हिल्स से आपको प्रश्न बनते हैं वो मैं बताता हूं कुछ क्वेश्चन लिखिए आप राहुल केम आपको मैंने यही कहा है कि जाना पाओ पहाड़ी सिगार चोटी जो है मालवा के पठार में इंदौर जिले के अंतर्गत आती है ओके आप इसको ले लीजिए भाई ठीक ओके okay. अब देखिए आपने इसे लिखा अब यहां पर दो तीन पॉइंट देखिएगा दो तीन पॉइंट क्या है पहली पॉइंट कि जाना पाओ पहाड़ी जो है जाना पाओ पहाड़ी जो है वो आपके महू में है महू जिला कौन सा आएगा मैंने बोल दिया इन सब की बात की मैंने जिला कौन सा लग रहा है इंदौर जिला कौन सा लग रहा है इंदौर अब दूसरी चीज देखिएगा जो जाना पाओ पहाड़ी महू में है यही यही ब्राह्मण पुत्र भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की जन्मस्थली है भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। मतलब मैं कह सकता हूं कि भगवान परशुराम जो है उनकी जन्मस्थली कहां पर है जानापाव पहाड़ी महू में दूसरी चीज देखिएगा इसी जानापाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई नौ किलोमीटर है नर्मदा के बाद सेकंड जो है लॉन्गेस्ट रिवर है प्रदेश की यह चंबल नदी भी जानापाव पहाड़ी से निकलती जिला इंदौर महू से निकलती तीसरी बात बताता हूं दुनिया का पहला दुनिया का पहला क्लॉक टेम्पल दुनिया का पहला क्लॉक टेम्पल याद रखिएगा दुनिया का पहला क्लॉक टेम्पल अर्थात घड़ी मंदिर यही जानापाव पहाड़ी पर बनाया जा रहा है जाना पाओ पहाड़ी पर बनाया जा रहा है चंबल नदी की बात करूं तो यहीं से याद रखिएगा एक और नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है गंभीर नदी जाना पाव पहाड़ी से गंभीर नदी निकलती है और इसी गंभीर नदी पर मध्य प्रदेश के इंदौर में यशवंत सागर झील बनी हुई है यशवंत सागर बना हुआ है यशवंत सागर हाँ जी वही यशवंत सागर जो आपके इंदौर जिले की हाथोद तहसील में है और यही यशवंत सागर इंदौर का सबसे बड़ा वो सागर है जिससे पानी पीने के पानी की पूर्ति होती है इसका भी प्रश्न पूछा गया है कि पीने के पानी की पूर्ति सबसे ज्यादा इंदौर में कौन करवाता है यशवंत सागर गंभीर नदी पर और गंभीर नदी कहां से निकली जाना पावल से मालवा के पठार से बोलो हां ओके ठीक है आगे बढ़ जाए भाई साहब नेक्स्ट पर आइएगा प्राकृतिक बनावट के आधार पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र को चार भागों में बांटा गया बहुत बढ़िया प्राकृतिक बनावट के आधार पर मालवा का क्षेत्र मतलब वो कह रहा है कि ये मालवा का पठार है ना इस मालवा के पठार को भी हम चिंदी का सांप राई का पहाड़ भूत का पलित कर देंगे पोस्टमार्टम करेंगे इसका इसे भी चार भागों में बांटा है वो कह रहा है उत्तर पूर्वी पठार मतलब वो ये कह रहा है कि मालवा का अगर ये पठार है तो उसमें ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो होता है ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र इसमें मालवा के कौन कौन से इस क्षेत्र में मालवा के में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आता है आपका विदिशा विदिशा मालवा के क्षेत्र में आता है वही वेशनगर विदिशा भोपाल वाला क्षेत्र आता है उदयगिरी की गुफाएं इधर आती है उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं इधर और ग्यारसपुर मतलब की होता है विदिशा में ये ये सब कहां पर है ये सारे की सारी जगह कहां पर है विदिशा में ये विदिशा की खास खास जगह वेशनगर हुआ उदयगिरी हुआ उदयपुर हुआ ग्यारसपुर हुआ विदिशा भैलसा हुआ यह सब मालवा के पठार के आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं उत्तर पूर्व में आते हैं यह वो बता रहा है इतना आपको डिटेल में जानने की कोशिश करना है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए टोटल में बता रहा हूं मालवा के पठार को भी फिर चार भागों में बांटा है ये कब पड़ा था इससे पहले यह बता दो कहीं पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा तो समझना होगा इससे ही दशारण क्षेत्र कहा जाता है आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है कि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो वरना फिर पढ़ो ही मत मैं बता रहा हूं आपने एमपीजी के कहीं जगह पढ़ा होगा या खुद से कितनी बार पढ़ा होगा उसके बावजूद भी अगर आपको कोई नई चीजें मिल रही है इसका मतलब यह कि डिटेल में आपने नहीं पढ़ा और डिटेल में नहीं पढ़ा तो यहां पढ़िए इसके बाद में मुश्किल से दो प्रश्न होंगे दो परसेंट समस्या होंगी जो एमपीजी के में बचेंगी बाकी सब रफ देखिएगा मालवा के पठार के कौन से हिस्से को दशारण क्षेत्र कहा जाता है जब यह प्रश्न बनेगा तो उत्तर पीएससी वाला भी नहीं देगा किस पठार को दशारण क्षेत्र कहा जाता है ठीक है ना ओके ठीक है यह पुराना नाम क्या है दशारण नेक्स्ट पर चलते हैं मालवा के पठार में मालवा के पठार का नेक्स्ट देखिएगा दूसरा है मालवा के पठार का अभी आपने देखा था अभी जो मालवा के पठार का देखा था वो आपने देखा था नॉर्थ ईस्ट एरिया कौन सा देखा था नॉर्थ ईस्ट एरिया अब वो क्या कह रहा है कि मालवा के पठार का केंद्रीय क्षेत्र केंद्रीय मतलब कि मैं कहकर कह सकता हूं कि मालवा के पठार में जो ये सेंट्रल वाला क्षेत्र आता है ये वाला ये केंद्रीय क्षेत्र उसमें उज्जैन आता है आपका उज्जैन आता है धार आता है आपका धार आता है मांडू आता है धार में ही मांडो आता है रतलाम आता है ये रतलाम सीमा पर है राजस्थान की मंदसोर आता है जिसे कहते हैं है 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 और धमनार धमनार ये धमनार ये ये वहीं पर पर में में की गुफाएं कहां सब सब के सब वो जगह ध्यान से सुनिएगा ये इधर धमनार और मंदसौर सॉरी ये पश्चिमी पठार है यहां से इसको काट दो पश्चिमी पठार में ये आपका धमनार आ जाता है मंदसौर एक ही बात है मंदसौर का हो या धमनार का हो ठीक है ना चार भागों में बांटा था एक था नॉर्थ ईस्ट पूरा विदिशा आ गया

ठीक है और यह है नर्मदा की घाटी मालवा के पठार में अगर यह मालवा का पठार है तो इसके बिल्कुल नीचे से बहकर जा रही है नर्मदा नदी घाटी यह नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र हो रहा है यह इसका दक्षिणी हिस्सा नर्मदा की घाटी इसे कहते हैं निमाड़ की समतल भूमि क्योंकि मालवा से जब निमाड़ प्रवेश करते हैं तो आपको मां नर्मदा जी के पास जाना होता है याद रखिएगा इस जगह पर आपको मिलेगा क्या क्या इस जगह पर ही आपको मिलेगा अपून को की अपनो मतलब की मध्य प्रदेश में महेश्वर आए भाई महेश्वर के बाद में बाघ की गुफा मतलब की ये मनावर कुक्षी के पास में धार में ऊन ऊन की बात करता हूं तो ये आपके खरगोन जिले में आता है और नेमावर की बात करता हूं तो देवास जिले में आता है ध्यान से सुनिएगा ये जो ऊन है ये जो ऊन है ये ऊन क्या है भाई साहब ये मध्य प्रदेश में जैन तीर्थ स्थल है जैन तीर्थ स्थल है जैन तीर्थ स्थल है याद रखिएगा जैन तीर्थ स्थल कहां पर है ये ऊन जैन तीर्थ स्थल खरगोन में है अरे देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तीर्थ स्थल है कौन सा है ऊन ये कहां पर है खरगोन कहा इसे क्या कहते हैं याद रखिएगा इसे ही निमाड़ या फिर निमाड़ ना पूछे तो पूछेगा निमाड़ या मालवा निमाड़ या मालवा का निमाड़ या मालवा का खजुराहो बहुत ही उम्दा प्रश्न है याद रखिएगा निमाड़िया या मालवा का खजराहो किसे कहा जाता है आज तक प्रश्न नहीं मिला तो याद रखिएगा ऊन को कहा जाता है ऊन कहां पर है खरगोन में है यह क्या लिए प्रसिद्ध है जैन तीर्थ स्थल है जैन तीर्थ स्थल है ऊन जैन तीर्थ स्थल ऊन खरगोन में निमाड़ या मालवा का खजुराहो कहते हैं याद रखिएगा और अजयगढ़ के किले को अजयगढ़ का किला अजयगढ़ का किला अजयगढ़ का किला कहां पर है अजयगढ़ का किला ये जो कहां पर है ये पन्ना में है याद रखिएगा अजयगढ़ के किला पन्ना जो है उसे मदर ऑफ खजुराहो कहते हैं मदर ऑफ खजुराहो खजुराहो मदर ऑफ खजुराहो किसे कहते हैं अजयगढ़ के किले को पन्ना वाले को लेकिन मालवा या निमाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं को और वास्तविकता में देखा जाए तो खजुराहो कहां पर मिलेगा आपको तो खजुराहो वास्तविकता में आपको मिलेगा जिला छतरपुर में कहां पर मिलेगा जिला छतरपुर में बोलो समझ में आ रहा है, सब, सब है एकदम आसान है सब चीज क्लियर है ठीक है ना अरे ओ बेटा मैं क्या कह रहा हूं ये नर्मदा नदी घाटी की बात चल रही है नर्मदा नदी घाटी की आपका धार जिला है धार को भी दो हिस्से में बांट लो एक हिस्से में बढ़ जाता है आपका मालवा एक हिस्से में क्या बढ़ जाता है मालवा एक हिस्से में क्या जाता है निमाड़ आपको कमी है आपको जरूरत है मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने की जब आप मालवा के पठार को पढ़ोगे तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि मालवा में मालवा से प्राप्त ताम्र पाषाण कालीन कैलकोलिथिक पेट की पाई गई जो नगरी है उनमें आपको एक नवदा टोली मिलेगा बेटा क्या मिलेगा नवदा टोली नवदा टोली स्थान कहां पर है तो नवदा टोली स्थान आपका महेश्वर में आता है कहाँ पर आता है महेश्वर और महेश्वर कहाँ आता है तो हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी घाटी की मतलब हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो नर्मदा नदी के ठीक ठीक उत्तर में लगा हुआ है ऐसे तो आप कह दोगे सर नेमावर नेमावर जिला देवास में आता है लेकिन नेमावर यह समझ लो कि खत्म ही होने पर आता है नर्मदा नदी छूकर निकल जाती है और नेम, नेमावर से याद आया, याद रखिएगा नेमावर ही नर्मदा नदी का नाभी कुंड है नयमावर नर्मदा नदी का नाभी कुंड है अर्थात मैं कह सकता हूँ कि नर्मदा नदी के बीचों बीच में जो नाभी कुंड है कह सकते हैं कि नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक तक और यहाँ से भड़ोज गुजरात तक बराबर भागों में बटी हुई है अर्थात नाभी कुंड मतलब ये जिसे आप डूठी कहते हैं नाभी कहते हैं यह शरीर का वो अंग है जो केंद्र है ये बताता है कि इससे ठीक ऊपर शरीर की उतनी ही लंबाई है जितनी शरीर की इससे नीचे है मतलब कि नाभिकुंड नेमावर वो जगह है जहां से नर्मदा नदी केंद्र बिंदु है सेंट्रल पॉइंट है इसे सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है ठीक है ना ये भी प्रश्न निकालिए आप चंद्रप्रकाश प्रकाश सोलंकी कहानी पढ़ाएंगे भाई साहब मेंस में कौन सी समस्या है क्यों नहीं पढ़ाएंगे ये देखो चलो नेक्स्ट पर आइए अब आता है बुंदेलखंड का पठार आपने मध्य उच्च प्रदेश में सबसे पहले पढ़ा मध्य भारत का पठार दूसरा पढ़ा मालवा का पठार तीसरा आता है आपका बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड के पठार को अगर समझना है तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठार को अगर समझना है तो यह ये देखिएगा यह ये पर लगा हुआ नक्शा जो है यह बुंदेलखंड का पठार यह है ध्यान से देखिएगा ये है बुंदेलखंड का पठार ग्रीन कलर में टोटल चीजें समझिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है ध्यान से सुनिएगा अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है वो मध्य भारत का नंबर एक दूसरा हमने पढ़ा है मालवा का पठार नंबर दो अब आ रहा है आपका बुंदेलखंड का पठार नंबर तीन इसके बाद में चार और पांच में आपको रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी पढ़ेंगे जब ये पांचों पढ़ लेंगे तब हम कह सकते हैं कि हमने कुल मिलाकर मध्य उच्च प्रदेश मिडिल हाई जो था मध्य उच्च प्रदेश पढ़ लिया है क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश के पांच भाग हैं जो नए विद्यार्थी हैं वो देख रहे हैं कि मैं भी पढ़ा रहा हूं बुंदेलखंड का पठार ये चल रहा है तीसरा इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं सेकंड पर आपको मालवा का पठार और फर्स्ट पर पढ़ा चुका हूं आपको मध्य भारत का पठार इससे पहले के दो वीडियो और है उस दो वीडियो में आप मध्य भारत का पठार और मालवा का आधा पठार पढ़ सकते हैं अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका बुंदेलखंड का पठार मतलब कि इसी में आएगा आपका भिंड इसी में आएगा आपका भिंड का वो क्षेत्र छोटा सा लाहर तहसील वाला इसी में आएगा दतिया इसी में आएगा आपका शिवपुरी आधा अशोकनगर आधा और नीचे सागर जिला इसी में आएगा आपका दमोह जिला इसी में आएगा आपका जिला छतरपुर इसी में निवाड़ी और इसी में टीकमगढ़ समझ में आ रहा है देखते हैं पढ़ते हैं भाई साहब इसे ओके मैं हूं बुंदेलखंड के पठार से बहुत बढ़िया सर परम कुमार बालाघाट मध्य प्रदेश से स्वागत है भाई भाई परम भाई आपका समझिए तो पर नक्शे पे करसल रखा, रखा पॉइंट बनाया हमने कहा कि भाई साहब हम इसके नीचे आना चाहते हमने कहा इसके नीचे आ जाओ हम इसके नीचे आए तो हमें मिला रीवा पन्ना का पठार हम इसके पूर्व में गए तो हमें मिला भांडेर पर्वत श्रेणी ये भांडेर पर्वत श्रेणी और नीचे आते तो हमें नर्मदा सोन घाटी मिल जाती हमने कहा सर हम इसके पश्चिम में आना चाहते थे हम जैसे पश्चिम में आए तो हमें मध्य भारत का पठार भी मिला हम इसके दक्षिण पश्चिम में आए तो हमें मालवा का पठार भी मिला और हम इसके ठीक उत्तर में चले गए तो हमें यमुना का मैदान मिला यमुना का मैदान मिला और हमने इसके ठीक उत्तर पश्चिम में देखा तो हमें फिर मध्य भारत का पठार मिला बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहां से फिर हमने आके देखा तो हमें रीवा पन्ना का पठार अर्थात भांडेर पर्वत श्रेणी प्राप्त हुई यह सब चीज जो मैंने यहां पर बनाई है यह आपके सामने लिखी हुई है कहां पर यह देखिए यह है देखिएगा अगर वो कह रहा है अजयगढ़ पन्ना की पहाड़ी तो देखिए यमुना का जलोण मैदान यहां पर मिलेगा मध्य भारत का पठार मिलेगा कहां का मिलेगा आपको यह मिलेगा आपको ईस्ट में भी वेस्ट में भी यही मिलेगा और आपको नॉर्थ ईस्ट में भी यही मिलेगा वेस्ट में मालवा का पठार मिलेगा अजयगढ़ पन्ना की पहाड़ियां भी यहीं पर मिलेंगी आपको अब ऊपर क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तेवीस हजार सात सौ सैतीस वर्ग किलोमीटर विस्तृत है जो कुल क्षेत्रफल का सेवन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट है अभी आपने मालवा का पठार पढ़ा था तो वो पढ़ा था डबल ट्रिपल टू मतलब कि वो था लगभग ट्वेंटी एट परसेंट जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है बोलो हां ठीक है ना ठीक है भैया ओके सर एग्जाम में तो आएगा नहीं पूछ हो कि बता रहा हूं पूछ हो कि बता रहा हूं ठीक है ना एमपी की राजव्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ाई आपने एप पर बहुत अच्छा लगा पवननाथ सुंडी बहुत बढ़िया भाई धन्यवाद पूरी कोशिश की पूरी मेहनत की देखिएगा नेक्स्ट पर आइएगा नेक्स्ट पर आते हैं यह आपका बुंदेलखंड का पठार यहां पर देखिए आप देखिएगा मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में वो क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में उत्तर मतलब क्यों होता है आपका नॉर्थ में मध्य मतलब मिडिल नॉर्थ मिडिल की बात कर रहा है बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है अरे दादा यह प्रश्न उतना ही कठिन है जितना आपको सरल लग रहा है आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो बुंदेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश में कहा होता है बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में उत्तर मध्य भाग में है अर्थात मैं कह सकता हूं नॉर्थ मिडिल एरिया जो है नॉर्थ मिडिल एरिया जो है नॉर्थ मिडिल एरिया में आपका बुंदेलखंड का पठार है ये कौन पूछ रहा है रूरल हॉर्टिकल्चर ऑफिस 2016 कौन पूछ रहा है रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस 2016 जो एग्रीकल्चर बच्चे को भ्रम है एग्रीकल्चर वाले को कि नहीं 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 इस लेवल का हमसे पूछे ही कहा जाता है तो आपका भ्रम दूर करो हॉर्टिकल्चर एग्जाम में क्या यह प्रश्न पूछना लाजमी था हां पूछना लाजमी था उत्तर मध्य भाग में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है यह देखो प्रश्न यहां से ठीक है ना अलका पवार डाउट सेशन रखवाएंगे बेटा है ना बड़वानी जिला रवीना दांगी इंदौर में क्यों आएगा बड़वानी खुद जिला है बड़वानी खुद जिला है इस पठार के अंतर्गत भिंड आता है दतिया आता है शिवपुरी आता है सागर आता है पन्ना आता है छतर पन्ना क्या पन्ना में सिर्फ पन्ना नेशनल पार्क की बाउंड्री बाउंड्री है ना छतरपुर पूरा आता है टीकमगढ़ आता है निवाड़ी आता है और उत्तर प्रदेश के झांसी आते हैं जालौन आता है हमीरपुर आता है ललितपुर आता है और बांदा जिला इसमें आता है और यहां पर देखिएगा इस पठार के अंतर्गत अशोकनगर का चंदेरी ग्वालियर भिंड शिवपुरी जिले के कुछ भाग आते हैं और शिशुपाल की राजधानी चंदेरी इसी पठार के अंतर्गत आती है लिखो अच्छा यह भी तो प्रश्न था यह भी तो प्रश्न था मैंने आपसे टेस्ट मिलिया में लिया था मध्य प्रदेश के इतिहास में शिशुपाल कहां का राजा था आपने उत्तर लगाया था आपने उत्तर लगाया था बुंदेलखंड का राजा था कहां का राजा था बुंदेलखंड का राजा था तो वो प्रश्न का उत्तर कहां से निकल कर आया था वो यहां से निकल कर आया बुंदेलखंड का राजा था बुंदेलखंड क्षेत्र है बोलो हां संजय प्रजापति चाहिए है यार बस सुनील कुशवाहा पन्ना पूरा आता है क्या गुरु नहीं आता है पन्ना पूरा नहीं आता है अभी आप नक्शे में देखोगे तो पन्ना पूरा इसमें नहीं आता है देखना है आपको आप इसका एक स्क्रीन शॉट लो पांच सेकंड में आपको पन्ना पूरा आता है नहीं आता वो मैं दिखाता हूं पन्ना इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे पास रीवा पन्ना का पठार कतई नहीं नहीं आ सकता बिल्कुल नहीं आएगा देखो 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 इसमें देखो, पन्ना आता है कि नहीं आता है यहां से देखो भाई ये आया आपका इसको अगर मैंने जूम किया और यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं देखिएगा तहसील तहसील बताता हूं इसमें पूरी तहसील तहसील से बता देता हूं देखिएगा ये आपका जो क्षेत्र है यह जिला आपका इधर लगता है भिंड लेकिन भिंड जिले की लहार तहसील वगैरह जो आती है यह भिंड आता है ये छोटा सा क्या आता है आपका भिंड आता है लेकिन यहां देखोगे तो आप पूरा दतिया जिला आ जाता है आपका कौन सा जिला जाता है मेरे प्रिय मित्र दतिया जिला आ जाता है दतिया जिले के बाद में अगर आप आते हो तो यहां पर आप देखोगे तो यह शिवपुरी दोनों साइड मिलता है शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो इधर राजस्थान को और इधर उत्तर प्रदेश को टच करता है तो शिवपुरी जिला भी आ जाता है ठीक है ना साथ में बात करते हैं तो आपका जिला शिवपुरी के बाद में आता है अशोकनगर कौन सा आता है अशोकनगर यह अशोकनगर जिला भी इसमें आता है अशोकनगर जिले के बाद में डायरेक्ट उतरोगे तो भाई साहब यहां पर एक जिला है और वो जिला इतना खतरनाक है जिसका नाम है सागर देखो भाई ध्यान से ये जिला सागर बुंदेलखंड के पठार में भी आता है अभी मैंने लिखवाया यही सागर आपके मालवा के पठार में भी आता है दोनों चीजें पढ़ा चुका हूं तीसरा यही सागर रीवा पन्ना के पठार में भी आएगा और ये वाला क्षेत्र रीवा पन्ना के पठार में आएगा यह भी पढ़ाऊंगा आपको मैं तो सागर तो तीनों में आता है सागर से आ जाओ तो आपको जिला मिलेगा दमोह दमोह भी आता है दमोह से यहां पर आ जाएगा आपका निवाड़ी जिला यह निवाड़ी जिला आ जाता है निवाड़ी के बाद में आ जाएगा आपका टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जिला भी पूरा इसी में आता है प्योर बुंदेलखंडी और सबसे बड़ा बुंदेलखंड का गढ़ आता है आपका जिला छतरपुर जिला छतरपुर भी इसी में आता है यहां से ये लाइन गई है और जाकर जाकर आपके जिला छतरपुर और ये आपका जो लिखा हुआ है पन्ना इसकी बिल्कुल सीमा पर से निकल गई है अब आप देखोगे तो केन नदी यहां से बहते बहते जाती है और ये पन्ना और छतरपुर की बाउंड्री बनाती है तो बिल्कुल वो केन नदी वाली जो बाउंड्री है ना वो केन नदी वाली बाउंड्री वो केन वो पन्ना नेशनल पार्क वाली सिर्फ इसी इसी पर बुंदेलखंड जाता है वरना इसका अधिकतर हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये किसमें जाता है रीवा पन्ना के पठार में जाता है बोलो हाँ ठीक है ना ओके ज्योति कुशवाहा सर जी तेवीस को एग्जाम में लता मंगेशकर का डेट ऑफ बर्थ पूछा था आप देखो एप्लीकेशन पर जाकर कोई बच्चा यह दे कि सर आपने आपने पर पढ़ाया और उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पढ़ाया वो सारी चीज पढ़ा दी जो आपने और कहीं भी नहीं पढ़ी होगी तो आप टेंशन ही मत लो मैंने एप्लीकेशन पर हमारी सत्याई शर्मा क्लासेस की उसमें हमने सब पढ़ाया है राजन वर्मा जी आप कह रहे हैं मैं न्यू स्टूडेंट हूं आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई एमपी के हृदय सागर बिल्कुल स्विट्जरलैंड सागर ठीक है ना मैंने स्टडी अभी स्टार्ट की है लाइफ एक्ट बाय ठीक है ना ओके भाई स्वागत है आपका ओके चश्मा वाले बाबा गुड मॉर्निंग अक्षय सोलंकी गुड मॉर्निंग भाई अलंकृता पांडे जी एम भी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल मैडम देखिएगा नेक्स्ट पर आते हैं यहां पर हो गया अब यहां पर देखिएगा बुंदेलखंड पठार का विस्तार विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है क्योंकि झांसी जालोन हमीरपुर बांदा ललितपुर ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं कुल क्षेत्रफल चौपन वर्ग किलोमीटर ध्यान से सुनना टोटल अर्थात टोटल 54,560 स्क्वायर किलोमीटर है लेकिन एमपी में तेवीस सात सौ से। है मतलब मैं कह सकता हूं कि लगभग लगभग लग लग जो इसका डबल है वो डबल से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है मतलब वो ये कह रहा है मतलब वो ये कह रहा है इस जो है बुंदेलखंड के पठार का विस्तार बुंदेलखंड के पठार का विस्तार सिर्फ एमपी में एमपी में तो इतना है एमपी एमपी में तो इतना है एमपी एमपी में इतने के अलावा इतने के अलावा आप देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश में भी मतलब कि आप यहां पर देखोगे तो आपका जिला ललितपुर मिलेगा यहां पर आपका जिला झांसी मिलेगा फिर आपका जिला यहां पर इसकी सीमा पर बांदा मिलेगा जालौन मिलेगा हमीरपुर मिलेगा और ये सारी जगहें जो होती है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाती है तो वो कह रहा है कि टोटल मतलब कि उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश कुल मिलाकर 54,000 है लेकिन अगर इसको हटाकर सिर्फ इतना इतना गिना जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 23,000 है। ट्वेंटी ये अंतर है टोटल कितना है और मध्य प्रदेश में कितना है है ना टोटल कितना और मध्य प्रदेश में कितना है जिलेवार श्री रीवा सतना सिंगरौली सीधी कब पढ़ाएंगे संजय कुशवाहा जी जब मैं रीवा संभाग पढ़ाऊंगा आज देखिएगा एवरेज यहाँ की जो बारिश होती है औसत वर्षा वो पिछोत्तर से 112 सेंटीमीटर होती है जो मालवा के पठार से कम है औसत ऊंचाई 300 से साढ़े चार मीटर है जो कि मालवा के पठार और मध्य उच्च प्रदेश के मध्य भारत के पठार से भी कम है बुंदेलखंड का पठार तीन ओर से अर्ध चंद्राकार पन्ना श्रेणी बीजावर श्रेणी और नरहट स्कार्प तथा चंदेरी पाठ से घिरा हुआ है यह क्या कह रहा हुआ इस पठार को अर्धचंद्राकार मतलब वो कह सकते हैं कि यह जो बुंदेलखंड का पठार है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है हाँ आप ठीक से इस चांद को देख लो क्यों क्योंकि चांद अगर देखा जाए तो गोल होता है लेकिन वो क्या कह रहा है अर्धचंद्राकार इसको इसको काट दो दो और इसको इसका डबल टाइप में बना दो। ये बन गया अर्धचंद्राकार आपने पूरे नक्शे में देखा है कि जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार है वो अर्धचंद्राकार ही है मतलब प्रश्न कैसे कैसे आ जाएंगे इसका आपको एक अनुमान भी नहीं है आपको बिल्कुल अनुमान नहीं है कि यह अर्धचंद्राकार आकार पूछ लेगा कि अर्धचंद्राकार में इस टाइप का इस सेप का कौन सा भाग मध्य प्रदेश में है मालवा का पठार बुंदेलखंड बघेलखंड या रीवा पन्ना का बोलो क्या करोगे फिर जगदीश दांगी मैं आ, कमेंट्स कम देख रहा हूं मेरे भाई जगदीश जी ठीक है ना ओके बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है अगर आपसे पूछे बिंद पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो सद्भावना गुडविल सात अगर आपसे मालवा के पठार की पूछे तो सिगार चोटी और वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा सिद्ध बाबा की चोटी जिसकी ऊंचाई ग्यारह मीटर है और यह डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 और एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि सिद्ध बाबा की चोटी कौन से पठार की सर्वोच्च चोटी है प्रश्न है मजेदार बहुत बढ़िया प्रश्न है एक बात बताओ भाई आप तो बहुत रोना रो रहे हो अभी मैंने जितना पढ़ा दिया उससे ही प्रश्न का आप लगा के देखो लोग एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन आंसर के क्यूज चल रहे हैं ना उसमें सौ नंबर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना एमपी एमपी की लोग डेढ़ डेढ़ सौ लगा के मुझे स्क्रीन शॉट लेके देखते हैं कि साहब देखो टोटल बने है, टोटल जरूरी नहीं एक सौ डेढ़ सौ में से एक सौ तीस भी बनेंगे एक सौ बीस भी होंगे पर मेरे पढ़ाए में से उनके नंबर बन रहे हैं उनको खुशी है तो आप पहले पढ़ के तो देखो बहुत सारा पढ़ लिया हमने तो ओके okay? अरे मेरे दोस्त इट्स यस क्रिएशन ये पूरे लॉकडाउन से आठ महीने दस महीने हो गए फ्री चल रही है मैं घर से भी पढ़ाता था गरीबी हालत में आज यहां से पढ़ा रहा हूं सब कुछ फ्री है बंद कुछ भी नहीं हुआ है शुरुआत जीरो से थी आज हीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप लोगों की दुआ आप लोगों का साथ इसी के कारण मैं कहता हूं कि जो नए विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर इंग्लिश की मैथ्स की और यहां पर करंट अफेयर्स की एमपी जीके की साइंस की और बाल विकास की और आपके गणित की पेडोलॉजी की सारी क्लासेस फ्री चलती है ग्रेड थ्री वाले भी बच्चे पढ़ते हैं ओके okay? नेक्स्ट पर जाइए नेक्स्ट पर आते हैं मिट्टी या मिट्टी का प्रकार कैसा है तो यहां पर काली लाल मिट्टी पाई जाती है पर तथा बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है सममिश्रित मतलब होता है काली लाल मिट्टी का मिश्रण हो जाता है यहां पर नदियों से बहकर आई मिट्टी को और दूसरी मिट्टी में मिल मिल जाती है उस कारण से बुंदेलखंड पठार का एक तिहाई अर्थात वन थर्ड भाग समतल मैदान है जो तीन ओर से विंध्य कगार से घिरा हुआ है अब इसको समझो आप वह कह रहा है कि यदि इसका हिस्सा देखा जाए वन थर्ड मतलब कि अगर इसका इतना हिस्सा है इसका इतना हिस्सा है तो वो कह रहा है इसका वन थर्ड मतलब कि इसके तीन हिस्से अगर मैं बराबर बांटू तो इसका जो इतना हिस्सा है एक हिस्सा एक हिस्सा और इसको फिर हटा दो तो बचा हुआ जो एक हिस्सा है वो क्या है समतल भाग है मतलब इस पर कोई पठार अठार नहीं है इस पर समतल का मतलब होता है प्लेन यहां पर प्लेन है एकदम जैसे कि कोई सीधी भूमि हो कोई उतार चढ़ाव नहीं कोई घाटी नहीं कोई जंगल नहीं कोई पहाड़ नहीं कोई खाड़ी नहीं ठीक है ना इस पठार से प्रवाहित होने वाली यमुना की सहायक नदियां धसान केन बेतवा आदि नदियां उत्तर पूर्व की ओर सकरी घाटियों से प्रवाहित होती है अभी बताता हूं वापस नक्शे पर जाकर कि बुंदेलखंड के पठार से बेतवा हुई धसान हुई केन हुई ये सारी नदियां बहकर यमुना नदी में मिलने को जाती है अब मुझे बताओ कि यदि ये नदियां यहां यहां से निकली है और ये यमुना नदी बह बेहरी इसमें जाकर जा रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि बुंदेलखंड के पठार का जो है वो ढाल किधर है इस बुंदेलखंड के पठार का ढाल उत्तर की ओर मिलेगा क्योंकि सारी नदियां उत्तर की ओर बहती है यह यह भी महत्वपूर्ण है है पहली नदी जोड़ो परियोजना लेकिन यह संकट में इस कारण से आ गई है क्योंकि यूनेस्को ने पन्ना नेशनल पार्क को और यह पूछ लिया गया जेलप्रेरी में हाल ही में कि कौन से नेशनल पार्क को यूनेस्को में जोड़ा गया है याद रखिएगा पन्ना बुंदेलखंड के पठार में हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खदाने हैं जी हां जैसे कि आप देखोगे खास करके हिनोता की खदान वो मत जाओ उधर मत जाओ पन्ना वाले में मत जाओ रमखेड़िया की खदान वो आपकी उधर भी मत जाओ ठीक है ना किलकिला नदी बहती है पन्ना जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है किलकिला -किल 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 किलकिला नदी के किनारे पर है एक खदान जिसका नाम है रमखेरिया की खदान ठीक है ना लेकिन छतरपुर जिले में जो हीरे की खदानें पाई जाती है वो सारी हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खदानें भी यहां पर मिलती है ठीक है ना ओके okay, भाई साहब इसका स्क्रीन शॉट लो आप नीरज कुमार टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है मेरे भाई टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है जहां से जिला टीकमगढ़ लगता है दमोह का उत्तरी क्षेत्र और टीकमगढ़ का निचला क्षेत्र वहां पर आप देखोगे तो आपको वही जगह जहां पर हम कह सकते हैं सिद्ध बाबा की चोटी ठीक है ना रवि भाई ऐसे स्टूडेंट भी है जो यूट्यूब पर नहीं चलाते यूट्यूब पर नहीं पढ़ पाते ठीक है ना ओके okay, सौरभ आप आपका जानो बेटा यहां पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों के पास वीडियो ही नहीं है वीडियो डिलीट हो गया आप देखो तो आपको मिलेगा ही नहीं ओके okay. अनु सिंह आपके ही कमेंट्स का उत्तर दिया मैंने दमो टिकमगढ़ दमो टिकमगढ़ सीमा की बात कर रहा हूं दमो टिकमगढ़ सीमा की बात कर रहा हूं ठीक है ना चलिएगा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें 1220 लाइक है जल्दी से इसे आप 1300 सो साढ़े तेरह लाइक तक पहुंचाएंगे और जैसे ही लाइक कंप्लीट होता है और हम हाँ तात्या टोपे का मूल नाम पूछा था तो मैंने अभी इतिहास में पढ़ाया था रामचंद पांडुरंग जो मैंने आपको पढ़ाया था तात्या टोपे का वास्तविक नाम था मैंने रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी मणिकर्णिका अर्थात मनु पढ़ाया था ठीक है ना मैंने भीमा नायक और जो आपके मामा टंटिया भील इनके उपनाम भी पढ़ाए थे किसे इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है किसे निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है मैंने कुंवर चैन सिंह जी का नाम पढ़ाया था जिन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद या फिर कह सकता हूं मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है ठीक है ना तो हमने पढ़ा है ये तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरे सौ से ज्यादा लेक्चर है यूट्यूब पर जिसमें आपको जिले जिले भी पढ़ाए हैं छब्बीस सत्तावीस जिले पढ़ा दिए हैं कम से कम चौपन से पचपन फिफ्टी फोर टू फिफ्टी फाइव लेक्चर मेरे ये वाले हो गए जो मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें आपकी एमपी हिस्ट्री भी है एमपी का आपका जियोग्राफी भी आपकी एमपी की रिवर भी है नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन भी है ठीक है मेरे दोस्त 30 से ज्यादा वीडियो थर्टी फाइव में स्पोर्ट्स के पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर तो आप जाकर देखिए वहां पर ठीक है इस कारण से उनकी एक पहचान हुआ करती थी ठीक है ना कानपुर की क्रांति कानपुर से और झांसी से उन्हें झांसी कानपुर में उन्होंने मदद की थी और उसके साथ में आकर उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है तात्या टोपे जी को शिवपुरी के जंगलों से पकड़ा गया था और यह मानसिंह की जो चाटुकारिता थी उसके कहने पर पकड़ लिया गया था उन्हें शिवपुरी में ही फांसी दी गई थी ठीक है ना चलिएगा याद रखिएगा ओके चलिए मैं चलता हूं बाकी इससे आगे का पढ़ता हूं कल तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहे और कोई समस्या हो तो कल उसका समाधान करेंगे ठीक है बाय बाय नमस्कार जय हिंद धन्यवाद